बढ़ते पेट्रोल डीजल व गैस के दाम के विरोध में नागपुर शहर जिला युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में भगवानगर चौक पेट्रोल पंप पर अनूठा आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में पेट्रोल भरने वाले व ऑटो चालकों को गुलाब का फूल दिया और पेट्रोल की कीमत 100 होने की बधाई दी व सभी युवकों के हाथ में बल्ला लहराते हुए पेट्रोल 100 होने पर सेंचुरी बताया। पेट्रोल व डीजल के दामों में रोजाना 20 पैसे से 50 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है। बीते दिनों में पेट्रोल व डीजल के 10 से 12 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र में बैठी अंधी गूंगी बाहरी सरकार, जो पहले वादा किए थे तेल पर से टैक्स हटाया जाएगा, आमजन मुश्किल में पड़ गए। रोजमर्रा खाने कमाने वाला ऑटो वाले जो पहले यही बेरोजगार है, उनकी चिंता तो केंद्र में बैठे हम दो की सरकार को हमारी चिंता नहीं है, उन्हें हमारी दो की बहुत चिंता है। इस मौके पर वसीम खान ने कहा कि इस समस्या से राहत मिलने में कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। सरकार को कुर्सी छोड़ देना चाहिए और पुराने दिन वापस कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छे दिन का मुहूर्त जब तक नहीं आने वाला, जब तक केंद्र में हम तो हमारे दो बेटे हैं। इस आंदोलन में रवि गाड़गे, पाटिल गोपालपट्टनम, नाविद शेख, मंजूर अंसारी, पवन चंद्रपुरकर, फिरोज खान, जिशान खान, विजय साखरे व आदि उपस्थित थे। अगर हम जो पेट्रोल के रेट जो 100 तक पावर का रेट 101 पहुंच गया है और डीजल का रेट 90 पहुंच गया है, उसको लेकर है ये मोदी सरकार सिर्फ दो जन का फायदा कर रही है। जो हमारे राहुल गांधी जी ने सांसद में बोला है हम दो हमारे दो, इसको हम बिल्कुल मानते हैं और बोलते हैं हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100। ये सरकार सिर्फ दो जन के, चार जन चला रहे हैं, मोदी, अमित शाह, अडानी, अम्बानी, उनके फायदे के लिए बजट आता है, उनके फायदे के लिए सब चीज़ें होती है, गरीबों का नुकसान हो रहा है। आज पेट्रोल के रेट 100 रुपये छू रहे हैं, डीजल 90 चला गया, रसोई गैस 850 चल रही है। ये ऑटो चालक मेरे साथ परेशान है, पूरे ऑटो वाले परेशान हैं, ये रोज़ खाने कमाने वाले हैं, इनको बजट से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। हमारी ये सरकार से मांग है, केंद्र सरकार से, कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम करो वरना कुर्सी खाली करो। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।